नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपीट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। और इस क्लास में हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 46 से। रत्नाकर का सन विच्छेद होगा, इनमें से आपको बताना है रत्नाकर का कौन सा सन विच्छेद इसमें से सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकार बराबर होता है रत्नाकर, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है, अनिवार्य का विलोम शब्द है, तो इनमें से आपको बताना है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या बनेगा। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द अनि का पर्यायवाची है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेना, सेना जो है अनि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी भौरा सखी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहां पर 50 है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी लोकोक्ति सही दी गई है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, घर का भेदी लंका ढाहे कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहां पर आंसर आपको देना है दोस्तों क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तिरस्कार का आपको बताना है यहाँ पर सन विच्छेद क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा तिरह प्लस कार, ऑप्शन यहाँ पर बी तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार होता है, और इसमें विसर्ग संधि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहां पर आपको देना है क्या बनेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, साक्षर का निरक्षर होता है और यहां पर दिया गया साक्षर का अक्षर, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची बिहेग है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ आपको बताना है, तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है कटार, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंजूस तथा कटार। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हवा आग, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा, निलय। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर यहां पर बनेगा दोस्तों, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है और शेष युग्म विलोम की दृष्टि से सही है, तो बी यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको बताना है, तो सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अभय और उभय का जो अर्थ होगा निर्भय और दोनों हो जाएगा, अभय मीन्स होता है निर्भय और उभय मीन्स होता है दोनों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, शुभेच्छा का सन विच्छेद है, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा, तो शुभ प्लस इच्छा बराबर होता है शुभेच्छा, ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, और इसमें गुण स्वर संधि है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं दिया गया है दिए गए ऑप्शंस में से, आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अम्बुद, समुद्र का नहीं है दोस्तों पर्यायवाची, ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, या बादल का पर्यायवाची है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा करुण और निष्ठुर विलोम युग्म सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा करुण और निष्ठुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो गुलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, आपको चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, तथ्यों का सही संधिविच्छेद है इनमें से, तो यहाँ पर तथा प्लस यो बराबर होता है तथ्य, और इसमें वृद्धि संधि है, तो तथा प्लस यो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न प्रश्न मुहावरे से संबंधित है सुमेलित करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए, सूची फर्स्ट में मुहावरा दिया गया है और सूची सेकंड में अर्थ उनके दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कान लगाना, तो कान लगाना का यहाँ पर ध्यान देना हो जाएगा, कान खड़े होना यहाँ पर चौकन्ना हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया आँख लगाना, तो आँख लगाना का हो जाएगा निगाह रखना और आँखें खुलना सजग होना, तो यहाँ पर विकल्प इसका राइट आंसर जो बने डी राइट जवाब हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको देना है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संपूर्ण और अंश, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो वचन से परे हो वाचाल, इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द बनेगा वाचाल, जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द वचनातीत होता है, और यहाँ पर वाचाल लिया गया इसलिए यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, आपको बताना है, तो यहाँ पर गरुण शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, भुजंग, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गरुण इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोप का विलोम शब्द है, तो कोप का विलोम इसमें कौन सा बनेगा, तो कोप का विलोम शब्द कृपा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनें, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो यहाँ पर दोस्तों गीदड़ भभकी का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की हांकना, आप लोग ध्यान रखिएगा, विरोध करना, और नेक्स्ट घड़ो पानी पड़ना, तो घड़ो पानी पड़ना लज्जित होना होता है, और क्रोध दबाना, तो क्रोध दबाना गुस्सा पीना, और विरोध करना आवाज उठाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, शब्द युग्म एक तरफ है अर्थ भेद दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिराव, अभिराम और अविराव स्थिर लगातार। क्वेश्चन नंबर अगला है, अतियुक्त शब्द में संधि है, तो अतियुक्त शब्द में आपको संधि बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा बनेगा, तो लोचन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निष्कलुष का विलोम शब्द है, तो निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा कलुष। क्वेश्चन नंबर अगला, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है, तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना।
क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजली तेज। क्वेश्चन नंबर अगला है, विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुक्त पुरुष जो है यहाँ पर विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है या सन्यासी या बैरागी का पर्यायवाची है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। विष्णु के पर्यायवाची की बात करें तो केशव है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है, चक्रपाण, दामोदर, नारायण और लक्ष्मीपद गोविंद, ये सभी जो हैं विष्णु के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर अगला है, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दक्षिण शब्द का विलोम शब्द वाम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किनारे लगना मुहरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, किनारे लगना मुहरे का अर्थ हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। तो किसी कार्य का समाप्त होना ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, विस्मरण और हितैषी वर्तनी शुद्ध दी गई है दोस्तों और शेष वर्तनी अशुद्ध हैं। तो विस्मरण और हितैषी वर्तनी शुद्ध हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा तीसरा और चौथा ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसका वर्णन ना किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बनेगा अवर्णनीय, अवर्णनीय ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर, सर जो है शब्द धनुष का नहीं है बल्कि बाण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन यहाँ पर सर हो जाएगा डी, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्न में से नस्वर का विलोम है। तो नस्वर का विलोम आपको बताना है, तो नस्वर का विलोम होता है शाश्वत, ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी राइट जवाब हो जाएगा शाश्वत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म का चयन करना है आपको दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आकर आकार खान आकृति। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, नासिक का सही संधिच्छेद है। तो नासिक का सही संधिच्छेद क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, नाविक, नाविक का सही संधिच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 9+1 बराबर होता है नाविक, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उर्वशी, उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मान्य और धान्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। क्वेश्चन नंबर, बस दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। झरना किसकी है, तो झरना जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम प्रलाप भारतन हरिचंद और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 38, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संविच्छेद वाला विकल्प सूक्ति। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न वाक्य के किस भाग में टूटी है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सदैव सच को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुमुक्षु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रभरदाई हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठता स्वीकार करना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संविच्छेद वाला विकल्प धर्मात्मा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा धर्म प्लस आत्मा बराबर होता है धर्मात्मा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आप निःसंकोच चले जाओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप निःसंकोच चले जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का सुकुमार कवि, उपनाम से सुमित्रानंद पंत को संबोधित किया जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर अगला है, 9-2-11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संधि। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचाने, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही दिया गया है और से सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया गया, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा घोर प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर गीतांजलि का सही संविच्छेद है, तो गीतांजलि का सही संविच्छेद होगा गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, और जिसमें जाना या जिससे समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर मधुशाला किसके द्वारा रचित है, महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, आयरा गैरा नथु खैरा मतलब बताइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा मामूली आदमी। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्याघात। क्वेश्चन नंबर अगला है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होता है दोस्तों, और कुछ ना जानने वाला आज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु युग, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक करेला, यहाँ पर आपको फिल करना है लोकोक्ति पूर्ण करें, तो राइट आंसर हो जाएगा दूजा नीम चढ़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदैव शब्द में संधि आपको बताना है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिष्ट का परिशिष्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिम तरंगिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को 1955, आप लोग ध्यान रखिएगा 1955 में उनकी कृति हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तिलांजल देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा त्याग देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए,
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिता ने मेरे से कहा, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है, तो स्थावर का विपरीत शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंगम हो जाएगा इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की खोज किसकी कृति है, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों क्या बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की कृति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आ बैल मुझे मार। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए, तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग यहाँ पर बनेगा विधाता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो अशुद्ध कथन का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा कल लोगों की भीड़ जमेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्ज्वल होगा, मैं रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा अतीत इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती इसका सही जवाब बनेगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूर के ढोल सुहावने लगना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको चयन करना है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी योगिनी। अगला यहाँ पर दिया गया है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचाने, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए कारक सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नैसर्गिक का विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सूरदास के गुरु थे इनमें से, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से सूरदास के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष सभी विकल्प अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम क्या बनेगा दोस्तों, तो उष्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अब कृष्ण का विलोम क्या बनेगा दोस्तों, शुक्ल हो जाएगा, और ठंड का गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों, महत्वपूर्ण रचना है, किसकी है रचना, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक रेखाचित्र है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। और अयोध्या सिंह की बात करें दोस्तों, इनकी रचना की बात करें, तो प्रीप्रवास है, वैदेही वनवास है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और सियाराम शरण गुप्त की रचना नकुल है, दैनिकी है, विषाद है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना की बात करें तो अनामिका फेमस है, जूही की कली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर यहाँ पर आपको फिल करना अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वचन, वचन पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वनाम इसका सही जवाब बनेगा, सर्वनाम की अशुद्धि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है इनमें से, तो राइट आंसर आपको देना है, तो बादल का समानार्थी शब्द अम्बुद है, अम्बुद जलज और नीरज कमल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस हिंदी के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिए,
और इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।